ये कहानी है एक ऐसी जादूगरनी की जो भविष्य की बातें बता सकती थी। ये वक्त है आज से बहुत साल पहले का। मेबनान नाम का एक सुल्तान था जिसने सैंड्रा नाम की एक जादूगरनी को कैद करके रखा हुआ था। मेबनान ने सैंड्रा की शक्तियों की मदद से लगभग सभी कबीलों को जीत लिया था, क्योंकि सैंड्रा उसे पहले ही बता दिया करती थी कि जिस कबीले पर वो हमला करने वाला है उसमें उसकी जीत होगी या हार। और इसी तरह से मेबनान ने लगभग सभी कबीलों को जीत लिया था, पर एक कबीला अभी भी मेबनान की नजरों से बचा हुआ था। वहाँ का सुल्तान मेबनान को युद्ध में हरा सकता है अगर जादूगरनी सैंड्रा मेबनान का साथ न दे तो। इसीलिए ये तीन लोगों को सैंड्रा को मारने के लिए भेजता, जिसमें लीडर का नाम मथाइस होता है। ये तीनों मेबनान के महल में पहुंच जाते हैं और छुपते छुपाते मथाइस जादूगरनी सैंड्रा के कमरे में पहुंच जाता है। पर इससे पहले कि ये सैंड्रा को मार पाता, ये सैंड्रा की खूबसूरती पर मोहित हो जाता है और तब तक मेबनान के सिपाही इसे बंदी बना लेते हैं। मथाइस की नजरों के सामने ही मेबनान इसके दोनों साथियों को मौत के घाट उतार देता है और ये मथाइस को भी मारने वाला ही होता है, पर तभी सैंड्रा इसको रोक